रेलवे के IOW कार्यालय के गोदाम में आज दोपहर को अचानक आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए रेलवे सहित नगर निगम का फायर अमला जुटा। करीब 1.5 घंटे से अधिक की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। रेलवे कॉलोनी छोर पर रेलवे प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 से लगा हुआ रतलाम रेल मंडल का मुख्य कार्य निरीक्षक IOW का कार्यालय है। कार्यालय परिसर में ही गोदाउन है। इस गोदाउन में आज दोपहर को अचानक आग लग गई। आग लगने से गोदाउन में धुआं उठा तो कार्यालय के कर्मचारियों की नजर धुएं पर पड़ी और फिर सभी रेल कर्मचारी आग बुझाने में जुटे। आग लगने की सूचना नगर निगम और GRP को मिली। GRP और नगर निगम का अमला फायर अमले के साथ मौके पर पहुंचा। आग लगने की सूचना पर मंडल रेल प्रबंधक विनीत गुप्ता सहित रेल अधिकारी भी IOW कार्यालय पहुंचे। शहर SDM लक्ष्मी गामड़ भी मौके पर पहुंची। लगभग 1.5 घंटे से अधिक की मेहनत और आधा दर्जन से अधिक पानी की फायर लारियों से आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के कारणों का आधिकारिक रूप से खुलासा नहीं हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कि गोडाउन की छत पर लगे लोहे के चद्दरों में हो रहे छेदों को बंद करने के लिए वेल्डिंग का कार्य किया जा रहा था। संभावना है कि वेल्डिंग से उठी चिंगारी से ही आग लगी है। आग से गोदाम में रखा सामान जलकर राख हो गया। नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। हाँ, जांच के आदेश ऑलरेडी दे दिए गए हैं और जांच के बाद ही आग के कारणों का पता चलेगा। लेकिन मैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वालों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत जल्दी फायर टेंडर वगैरह भेज के आग पे काबू पा लिया। सर, क्या प्रथम दृष्टया क्या कारण सामने आया है कि आग लगने का? प्रथम दृष्टया तो ये कारण सामने आता है कि शायद कुछ काम चल रहा था, उसका अब पूरा इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये जो स्टोर था, इसमें कुछ रिलीज लकड़ी, कुछ त्रिपाल, कारपोलिन और सीमेंट वगैरह का स्टॉक था, तो और कोई कारण नज़र नहीं आता। हो सकता है कि किसी ने कार्य करने के दौरान कुछ लापरवाही हुई है, उससे हो सकता है। सर, कितने का नुकसान का अभी अंदाजा? ये तो अब जायजा लेने वाली बात है, ये बाद में पता चल पाएगा। पटरी पर रहने वाले हजारों नागरिकों की मांग पूरी हो गई है। सुभाष नगर स्थित रेलवे क्रॉसिंग फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण शुरू होने वाला है। ब्रिज निर्माण के लिए फाटक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यह ओवरब्रिज 760 मीटर लंबा, 24 मीटर चौड़ा बनेगा, जिसकी लागत 14,98,00,000 रुपए है। ब्रिज निर्माण के पहले 106 मकान, 10 दुकानें 20 से 25 फीट तक तोड़े जाएंगे, जिसके लिए 12 करोड़ रुपए मुआवजे के आ चुके हैं। प्रशासन ने 54 लोगों की आपत्तियों का निराकरण भी कर दिया है। जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप फेडरेशन का 25वां स्थापना दिवस सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर 3 दिवसीय मास्क एवं सैनिटाइजिंग का आम जनों में वितरण किया गया। शनिवार को राम मंदिर क्षेत्र में वितरण किया गया। इस मौके पर ग्रुप अध्यक्ष संजय मोदी, प्रवीण लोढ़ा, संजीव कोठारी, नरेंद्र जैन, मनीष जैन सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव राजेश राका ने बताया, हमारे जैन क्षेत्र सोशल ग्रुप का फेडरेशन का 25वां स्थापना दिवस है। इसके उपलक्ष्य में हमने 3 दिवसीय मास्क वितरण और सैनिटाइजिंग से हाथ धुलवाए हैं, सैनिटाइजिंग वितरण किया और हर दिन हमने 500-500 मास्क वितरण किए हैं। और इसमें सबसे पहले हमने बाजना बस स्टैंड पर, उसके बाद त्रिपोलिया गेट पर और आज राम मंदिर क्षेत्र में आकर निराश्रित और जो गांव वाले आते हैं, गांव वाले ग्रामीण आदिवासी जो आते हैं, उनको हमने मास्क वितरण किया। दीनदयाल नगर क्षेत्र में व्याप्त समस्याएं समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है। नगर निगम अध्यक्ष के इस वार्ड के नागरिक समस्याओं पर निगम प्रशासन ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। खबर है कि इस क्षेत्र में सुबह पशुओं के लिए चारा बेचने वाले आते हैं, जो गंदगी छोड़कर चले जाते हैं। नतीजन दिन भर जनता परेशान होती है। आवारा मवेशी और सांझ यही वितरण करते हैं। सांझ से नागरिक भयग्रस्त रहते हैं, जो किसी भी रागी पर हमला कर देता है या फिर घर के बाहर खड़े वाहन गिराकर क्षतिग्रस्त कर रहा है। क्षेत्रीय रहवासी ने एन टाइम्स को बताया। हाँ, ये जो सांड के बारे में आप कुछ बताएंगे, कॉलोनी में कितने ये जो है जानवर घूमते हैं और क्या तकलीफ है आपको? हाँ, घास डालने की वजह से सांड और अन्य जितने भी जानवर है वो घास खाने के लिए आते हैं और उसके बाद फिर इधर कॉलोनी में आ जाते हैं, वो लड़ते हैं आपस में। हाँ, तो उसकी वजह से किसी की गाड़ियाँ पड़ी है वो तो टूट जाती, कोई एक्सीडेंट हो जाता, लोगों से टकरा जाते हैं, ऐसी बहुत बड़ी घटना भी हो सकती है कभी भी। पहले एक बार दीनदयाल नगर में एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है सांड के मारने से। हाँ, एफ सेक्टर में। सही। तो यहाँ आप लोगों ने कभी कोई शिकायत नहीं करी इनकी, जिस तरीके से यहाँ समस्या हो जाती?
संबंध में शिकायत तो नहीं करी, लेकिन जो खाली प्लाट पड़े रहते हैं, हाँ, ये खाली प्लाट पड़े रहने से भी बहुत बड़ी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, क्योंकि इसके अंदर खाली रहता है तो हर कोई कचरा डाल जाता है, वो जो आवारा पशु घूमते रहते हैं वो खाने के लिए आते हैं, और फिर सांड और आपस में लड़ते हैं, हाँ, उससे किसी की भी जान का खतरा भी बना रहता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, ये सांड यहाँ पे जो है पकड़े जाएं और ये कॉलोनी से हटाए? घास डालने की जगह ये थोड़ा सा एकांत में होना चाहिए। हाँ, ये जो रोड पे, हाँ, जो रोड पे किनारे हैं, ये तो राजगीर चलते हुए कभी भी एक्सीडेंट हो जाए, घास खाते हुए लोग, हाँ, लड़ जाते हैं, हाँ, जानवर, हाँ, तो ये एक तरफ होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा नेत एनडीए सरकार की दूसरी पारी में प्रथम वर्ष खत्म होते होते देश के इतिहास में ऐसी उपलब्धियां दर्ज कर गया है जो भारतीय इतिहास का स्वर्णिम हिस्सा बन गया है। मोदी सरकार की ये उपलब्धियां सदियों तक याद रखी जाएगी, यह बात इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने कही। आज वो रतलाम में जिला भाजपा कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में भाग ले रहे थे। सांसद लालवानी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपना एक एक वादा को जमीन पर उतार कर दिखाया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में राम मंदिर का सपना जल्द पूर्ण होगा। नागरिकता संशोधन कानून लागू किया गया है। सांसद श्री लालवानी ने कहा कि देश पर आज कोरोना महामारी का संकट छाया, उसे मोदी जी ने दूरदर्शिता से काबू पाया है। पत्रकार वार्ता में सांसद श्री लालवानी के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा, भाजपा नेता बजरंग पुरोहित भी मौजूद थे। केंद्र सरकार ने मजदूरों के लिए जो आवश्यक कार्रवाई है, चाहे वो ट्रेनों के माध्यम से हो, हजारों ट्रेनें चली है, और उसमें जो राशि है केंद्र सरकार ने दी और उसका इंतजाम राज्य सरकार ने किया। मुझे लगता है कांग्रेस में राजनीति कर रही है, और जिस प्रकार कांग्रेस ने कहा था कि हम बसें प्रोवाइड करेंगे लेकिन एक बस प्रोवाइड नहीं करेंगे, इस मुद्दे पूरे कोरोना के मुद्दे पर उन्होंने पूरी राजनीति की। कहीं भी कांग्रेस के नेता शहर में हों, प्रदेश में हों या देश में हों, कहीं नहीं दिखे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता थे जिन्होंने इस विषम परिस्थितियों में सेवा का काम किया। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार कहा था कि हम सेवा करेंगे तो कोई राजनीति नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार प्रदेश में, हमने देखा होगा महाराष्ट्र में किस प्रकार से लोग पैदल आए। मैं आपको इंदौर के आसपास की बात बताऊँ, इंदौर में जब मजदूर और वहाँ से आए थे लोग, पीने को पानी उन्होंने रास्ते में कहीं नहीं मिला। जब मध्य प्रदेश की सीमा में थे, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे पार्टी के नेताओं ने उनको पूरी व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की, चप्पल जूते दिए, कपड़े दिए, और बसों की व्यवस्था करके उनको निर्धारित स्थान पहुँचाया। तो कांग्रेस तो सिर्फ राजनीति करती है, उससे पहले करुणा प्रेमी उन्होंने राजनीति की, भारतीय जनता पार्टी की सेवा का काम किया। किसान, हाँ हाँ, समर्थन मूल्य पर जो किसान अभी हित में जो कांग्रेस के तुलना में बैठे थे उनके ऊपर जो FIR हुई है उसमें बीजेपी पे आरोप लगाया कि बीजेपी के दबाव में आके FIR हो रही है और प्रशासन उनके दबाव में है। कोई बीजेपी कभी इस प्रकार से दबाव नहीं डालती, कांग्रेस के लोग सिर्फ राजनीति करते हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार से पहले भी राजनीति हुई है, आप सबके सामने हैं किस प्रकार उन्होंने उस समय राजनीति की थी। तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी किसानों में भी राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, हमेशा किसानों की बात करते हैं। आपने देखा होगा अभी गेहूँ कितना खरीदा, कितने जो कभी सोचा नहीं होगा उसकी व्यवस्था माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने की है। हर जगह गेहूँ हमारा जो भंडारण क्षमता है उससे ज़्यादा हमने की है, और कहीं भी आपने देखा होगा जितनी पिछले वर्ष से कई गुना ज़्यादा इस बार गेहूँ की खरीदी हुई। तो कांग्रेस तो सिर्फ राजनीति करती है और कभी उनको किसानों से, मजदूरों से कोई लेना देना नहीं। पिछली बार रतलाम में पोस्टर वार जारी हुआ था, बीजेपी के तमाम नेताओं के, चाहे सांसद के हों, विधायक के हों, पोस्टर लगाए गए थे कांग्रेस में, तो उसके भी जो FIR की गई है कहीं दिखे नहीं। उनका ही आरोप है कि बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो कहीं नहीं दिख रहे थे कोरोना जैसी महामारी में। पूरे कोरोना में ऊपर से लेके नीचे तक भारतीय जनता पार्टी और हमारे परिवार संगठन के लोगों ने पूरे सेवा प्रदान किया। आप पूरे देश में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी कांग्रेस की जहाँ भी देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी और परिवार संगठन के लोगों के देखे होंगे। विगत 60 दिनों के लॉकडाउन में कोरोना का कहर शहर और जिले में अपना पांव नहीं पसार सका था, लेकिन जून माह की शुरुआत होते ही कोरोना ने अपना जलवा बताकर तेजी से संक्रमण फैला दिया है। जून माह की शुरुआत से ही कोरोना पॉजिटिव हावी रहा, जिसका सिलसिला अब तक जारी है।
शनिवार सुबह तक पॉजिटिव मरीजों की संख्या 51 हो गई, जिनमें से एक्टिव पॉजिटिव की संख्या 16 हो गई है। बढ़ती संख्या का कारण सोशल डिस्टेंस का अभाव भी माना जा रहा है। अब तक कोरोना ने 4 मरीजों को मौत के मुंह भी सुला दिया है। शुक्रवार को गोकुलधाम रतलाम निवासी 29 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव निकला। प्रशासन ने शुक्रवार रात गोकुलधाम परिसर को सैनिटाइज करवाया गया। इधर जिले के जावरा में भी कोरोना का कहर बरपा है। जावरा में 3 मरीज पॉजिटिव निकले हैं। जावरा प्रशासन ने गाड़ीखाना तथा पठान टोली को कंटेनमेंट एरिया बनाकर सैनिटाइजेशन करवाया है। जावरा SDM राहुल धोटे ने मीडिया को बताया, कल रात में रिपोर्ट आई थी, जैसा कि आप सबको बताया 3 पॉजिटिव केसेस आए हैं, इसमें एक की मृत्यु हो गई है। तो एक, जैसा आपको पता है कि पठान टोली की एक महिला थी जिनकी मृत्यु हुई है, एक कंटेनमेंट जोन वहाँ पर बनाया गया है, और एक अपना गाड़ी खाना में 2 महिलाएं आई है, एक ही परिवार की है, एक कंटेनमेंट क्षेत्र वहाँ पर बनाया गया है। सर, ये जिस तरह मार्केट प्रशासन पूरा अपना कार्य कर रहा है, लेकिन मार्केट में भीड़भाड़ का जो चल रहा है, इस पर प्रशासन क्या कर रहा है? नहीं, हम लोगों की तरफ से समझाइश तो दी जा रही है, अवेयरनेस भी किया जा रहा है, चालान भी काटे जा रहे हैं, बट ये ऐसी लड़ाई है कि हम सबको मिलकर लड़नी है। तो मेरा यही अनुरोध है कि मास्क पहन के निकले, सोशल डिस्टेंसिंग करें, घर जाते समय आप बिल्कुल हैंड सैनिटाइज करिए, घर के बुजुर्गों का ध्यान रखें और अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें। अगर आप इन सभी कदमों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको नहीं होगा, लेकिन ये आपको बता दे, जैसे कल मृत्यु हुई, आप सभी विदित हैं कि ऐसा इसको हल्के में ना ले, सावधानी ही इसकी एक सुरक्षा है। दुकानों का सर जावरा में क्या समय रखा गया है, किस तरह रहेगा? दुकानों को लेके व्यापारी संगठनों ने आवेदन दिए थे और कहा गया था कि 5:30 बंद करना चाहते सभी लोग स्वेच्छा से, सुरक्षा की दृष्टि से। और इसी तरीके से हम लोगों ने कल समस्त राजनीतिक दलों की मीटिंग ली, सभी सहमत थे कि 6 बजे तक बंद हो जाना चाहिए। तो इस आधार पर सोमवार से हम लोग प्रयास करेंगे कि जो स्वेच्छा से पहल व्यापारी संगठन और राजनीतिक लोगों ने की है, जनप्रतिनिधियों ने की है, तो उसके साथ हम भी साथ देते हुए जनता से अपील करें कि 6 बजे बंद करें। सर, मजदूरों के लिए कुछ, जिस तरह मजदूर 6 बजे तक अपना कार्य करके लौटते हैं? नहीं, डेफिनेटली जब लॉकडाउन था उस समय भी आप लोगों को, किसी भी मजदूर को हमने परेशानी नहीं होने दी, चाहे वो मंडी से आ रहा हो, चाहे वो कार्य करके आ रहा हो, दुकान बंद करके घर जा रहा हो, या किसी इमरजेंसी काम से एसेंशियल सर्विस से जाता है, ये तो हम अभी भी अलाउ करते हैं, उस समय भी अलाउ करेंगे। 6 बजे के बाद मजदूर यदि घर पहुंच रहा है 7-7:30 तक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मार्केट है वो बंद कर दिया जाए, और साथ में जो व्यक्ति अनावश्यक घूम रहा है वो घर पहुंच जाए।